हेलो ब्रदर्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वेस्टलैंड सर्वाइवल। सो आज हमको क्या करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बता तो क्या दिखाई देता हूँ, इस बंदे को देख रहे हो, ये मतलब हमारा ओर से, अरे कहाँ जा रहा है भाई, इंटर मतलब पूरे फ्रेम में तो आ जा। सो आप इस बंदे को देख रहे हो, इस हमारे होर्स को, ये वापस चला गया यार तू, कोई बात नहीं। सो ये होर्स मतलब अभी काफ़ी टाइम हमको हो चुका है खेलते हुए, मतलब अभी करीबन एक महीना हो चुका है, और इस होर्स का हमने अभी रेंज पे खुले सांड की तरह ऐसे ही छोड़ दिया। इसका मतलब जो हमने घर वर है अभी तक हमारा रिपेयर नहीं हुआ, पता नहीं मतलब क्यों रिपेयर नहीं हो रहा ये चीज़, क्योंकि ये जो स्टेबलिट है उसको मतलब कंप्लीट करने के लिए हमको चाहिए ये दो शूज़ और ये वाला एक चाहिए, जो मेरे को मिल ही नहीं रहा यार। उसके अलावा मेरे को सारी चीज़ें मेरे को मिल रही है, लेकिन और बहुत सारी मतलब जमा हो चुके, आप लोग देख सकते हो, ये है, ये मेरे पास मतलब चार चार पड़े हैं, मतलब क्या करूँगा मैं इसके, मतलब ये इस चार का मेरे को ये बस दो हॉर्स उस दे दो और ये दे दो, ख़त्म हो जाएगा यार, मतलब लेकिन देना ही नहीं। सो आज हमको क्या करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हमको इस बंदे का जो ये घर है उसको रिपेयर करने के लिए कुछ नहीं करना, बस चंदा मांगना है। या मतलब इस साउंड्स लाइक रॉन्ग, मतलब चंदा तो हम इकट्ठा नहीं करेंगे, मतलब या हम घर घर जाके मतलब चंदा नहीं इकट्ठा करेंगे, हमको बेसिकली क्या करना है, बहुत सारे मिशंस करने हैं। जैसे कि यहाँ पे हमको क्विस्ट बोर्ड में हमको बहुत सारे मिशन दिख रहे हैं, जैसे कि ये वाला, इसमें क्या क्या करने का होता है वो तो आप सब लोगों को पता ही है। मतलब इस वाले मिशन में तो कि आपको भाई किसी भी जगह ये बोले वहाँ पे जाना है और मैप के पीसेस ढूंढने हैं, फिर उसको ज्वाइन करना है, फिर उसको रेड करना है, फिर उस बंदे को टारगेट को मारना है, फिर शरीफ के पास जाके उसको रिपोर्ट देनी है और पैसा हजम। और इस वाले मिशन में हमको करना है मतलब एक हमको बॉल लेना है, मतलब बॉल लेना है या फिर क्राफ्ट करना है, कुछ भी करना है, और एक स्पेसिफिक जगह जाके एक स्पेसिफिक एनिमल क्रिएचर स्पिरिट जो भी आप लोग बोलो उसको मतलब हंट करना है, बस यही है। सो इससे हमको आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे मतलब कॉइंस मिल रहे हैं, 45 मिल रहे इसमें इस वाले मिशन में, और इस वाले मिशन में हमको मिल रहे बस 20, लेकिन कोई बात नहीं। और इस सब की हम आज तैयारी करेंगे, क्योंकि आज हमारे पास ऑलमोस्ट पैसे है मतलब 696 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट हमारे पास 700 आज हो ही जाएंगे इस वाले मिशन को करने में। और गैस आज हमको क्या मिला है, आज हमको मिला है ये VIP बैच, यस। सो मिशन में जाने से पहले हम थोड़ी तैयारी भी तो हमको करनी पड़ेगी, वो कर लेते हैं हम। सो इस लूम में आप लोग यही सोच रहे होंगे इसमें ऐसा आइकॉन क्यों आ रहा है, क्योंकि या मेरा स्टोरेज मतलब ये फुल हो चुका है, ये क्लॉथ का स्टोरेज, और मैंने ये जस्ट फैब्रिक क्रोड मैंने बनाने के लिए डाला था। अभी आप लोग ये सोच रहे होगे भाई तेरे को इस चीज़ की ज़रूरत ही क्या, तेरे पास तो अभी यार 2 का बैग आ चुका है ना। या मतलब एक सैड न्यूज़ भी है, कल मतलब मैं खेल रहा था ऐसे ही गेम, और अभी मैं मानता हूँ अभी मैं इतना पावरफुल हो चुका हूँ मैं मर नहीं सकता, लेकिन क्या करें मतलब कंजूस आदमी हूँ मैं। एक ट्रेन इवेंट आया था मतलब इमरजेंसी स्टॉप, उसमें गया और इसमें एक बियर था 65 लेवल का, या 65 लेवल का था, और मैंने पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा सूझा कि नहीं मेरे को इस बंदे से भिड़ना है लेकिन हीलिंग नहीं करनी है, पता नहीं क्यों मैं उस बंदे को मारता रहा और मैं हीलिंग नहीं कर रहा था, क्यों, क्योंकि मेरे पास एक ही थी और वो थी मतलब टायर 4 की मेरे को मिली थी उस लूट में से, और एक ही मिली थी मेरे को, और मैं कंजूस आदमी, मेरे को वो संगवा के रखनी थी, मतलब मेरे पास टायर 4 में बना नहीं सकते ना टायर 4 की हीलिंग, तो मेरे को वो संगवा के रखनी थी, इसलिए मैं मतलब हील नहीं कर पाया और मैं मर गया। और जैसे मैं मरा बूम, या बूम बैग मेरा टूट गया और कुछ नहीं। तो यार यही चीज़ है, इसलिए मेरे को बनाने पड़ रहे, क्या करें अभी, मतलब हमने हक दिया उधर, अभी नहीं मतलब मैं अभी इतना लिटरली मैं पावरफुल हो चुका हूँ ना कि मेरे पास अच्छे अच्छे वेपन्स है और मैं अभी हीलिंग्स भी बना सकता हूँ, लेकिन मेरे को क्या करना है मतलब कंजूसी मतलब इतनी है, मतलब क्या ही करें अभी हम। अभी हम तैयारी कर लेते हैं अपने को मिशन में जाने की, उससे पहले मतलब या मैं आप लोगों को दिखा दूँ, मैंने ये ऑफलाइन में थोड़ी ग्राइंडिंग की थी और मैंने और 13 मैंने बना ली। आज हम अपग्रेड करने वाले ये रिपेयर बेंच, पिछले वीडियो में हमने ये किचन हमने अपग्रेड किया था, और हमने लास्ट एपिसोड में ये टूल बेंच भी हमने रिपेयर कर ली थी, और अभी हम बना सकते हैं ये आयरन के टूल्स, और आप लोग देख सकते हो मेरे पास काफ़ी सारा आयरन है, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, या काफ़ी सारा आयरन मतलब आप लोग देख सकते हो मेरे पास ऑलमोस्ट
49 यानी कि आप लोग समझ लो मेरे पास 50 आयरन है। और या मेरे को एक कमेंट भी आया था विशुल कोजिस कुमार की तरफ से, और या सॉरी अगर मैं मतलब आपका नाम प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, तो आप लोग पहले कमेंट देख लिए। वेस्टलैंड सर्वाइवल गेम में आयरन कहाँ मिलता है भाई, लोकेशन दिखाओ गेम प्ले की वीडियो में। बाय द वे थैंक्स ब्रो टेट यू लाइक दिस सीरीज, कीप सपोर्टिंग मी लाइक दिस एंड आई शो यू द लोकेशन। सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ ग्लोबल मैप पे, और अभी आप लोगों को मैं दिखा दो आपको आयरन कहाँ कहाँ मिल सकता है। सो अगर आपको बहुत सारा आयरन चाहिए तो मैं आप लोगों को पहले आपको एक स्पेशल लोकेशन बता देता हूँ। आपको आयरन मिलेगा ये आयरन माइन में, जैसे कि कॉपर माइन है यहाँ पे, ये रही एक कॉपर माइन है यहाँ पे, और ये है टीन माइन, वैसे ही ऊपर एक है आयरन माइन। यहाँ पे आप तभी जा सकते हैं जब ही आपने हॉर्स का मतलब वो टेबलेट है वो पूरा कर दिया हो और आपके पास हॉर्स हो तभी आप जा सकते हैं। और उससे पहले भी आप लोगों को ये स्नोई पास से गुजरना पड़ता है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे जा सकते हो। और अभी आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई तेरे पास इतने आयरन कहाँ से आए, मैं आप लोगों को बताता हूँ। आयरन आपको मिलते हैं कुछ कुछ ये फोगी प्लेटन में मिलते हैं, स्टार्टिंग अली गेम में रेंडमली मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं मतलब कभी कभी आपको एक आयरन की ओर दिख जाए या फिर तीन चार भी दिख सकते हैं यहाँ पे फोगी प्लेटन में, लेकिन मतलब बहुत ही रेंडम होते हैं, मतलब हर बार नहीं मिलते, कभी कभी आप लोगों को दिख जाते हैं। और अगर आपको आयरन चाहिए तो आपको या इवेंट में मिलेंगे आपको, कौन कौन से इवेंट में मिलेंगे, शूट आउट पॉइंट में मिलेंगे, ट्रेन अटैक में मिलेंगे, इमरजेंसी स्टॉप में मिलेंगे, और एक इवेंट है अपना वेगन वाला उसमें मिलेंगे। इस सारे मतलब इवेंट से ही मैंने इतने सारे मतलब आयरन मैंने इकट्ठा किए। और एक लोकेशन है आप लोगों को वहाँ पे भी आयरन मिल सकती है, कि ये है स्टोन आउटपोस्ट, यहाँ पे भी कभी कभी किसी चेस्ट में मतलब आपको आयरन दिख सकते हैं। सो या ये सारी जगह पे आपको अर्ली गेम मतलब आप लोगों को आयरन मिल सकते हैं। और आयरन अगर आपके पास सोर्स है तो भाई आप यहाँ पे जाओ दबा के माइनिंग करके आओ, जैसे कि आप लोग यहाँ पे कॉपर माइनिंग में और टीन माइनिंग में आप माइनिंग करने जा सकते हो। जैसे आपके पास सोर्स आ जाए तो आप लोग आयरन माइन में जा सकते हो, वरना तो मैं आप लोगों को बताया आप लोग आयरन कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, सारे आप इवेंट चेकआउट कर लो। और कभी कभी ये फोगी प्लेटन में भी मिल जाएंगे और ये वाले आउटपोस्ट में भी आप लोगों को मिल जाएंगे स्टोन आउटपोस्ट में। सो या अभी हम चलते हैं अपने रेंज की ओर, अपने टास्क की ओर। सो गाइस आप लोगों को मैंने बता दिया आप लोग आयरन कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। और गाइस ऐसे ही मतलब आप लोग कमेंट करते रहे, अगर आपको कुछ भी जानना हो या फिर आपके कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी गेम के रिलेटेड तो आप लोग नीचे कमेंट में लिख सकते हो या फिर आप लोग कुछ भी लिख सकते हो कमेंट में। सो या अभी बढ़ते हैं वीडियो की ओर। आप लोग देख सकते हो मेरे को हर वीडियो में मतलब भूख और प्यास लगती है, और आज तो भाई बहुत दबा के भूख और प्यास लगती है। मैं आप लोगों को बता दूँ अगर आप लोग खाना पानी नहीं पीते इसमें तो आप लोग मर सकते हो, और अभी मैं खाना पानी पीने वाला हूँ ये बकवास बंद करने के बाद, क्योंकि ये अभी चार का बचा हूँ, जैसे ही मतलब ये जीरो हो जाएगा मैं मर जाऊँगा, तीन हो गया अभी तो भाई खा लेता हूँ जल्दी जल्दी, वरना भाई मैं तो गया। ओके मेरा पता नहीं क्यों हर वीडियो में मतलब मेरे को भूख और प्यास लगती ही होती है, मतलब हर बार, ये हर बार का हो गया अभी। सो या अभी हम तैयारी कर लेते अपने मिशंस के लिए। सो आज हम सबसे पहले मिशन करेंगे, देख लेते हैं पहले क्विस्ट बोर्ड में कौन कौन से मिशन है। एक ये है मतलब मैप्स ढूंढने वाला है, और ये एक ये है लॉन्ग बो वाला, हम ये लॉन्ग बो वाला पहले कर लेते हैं। हमको कहाँ जाना है, हमको जा रहा है डेंस फॉरेस्ट में जाना है, अभी जाके अभी मार के आते हैं। ओके एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इसके लिए हम थोड़ी हमको चीज़ें चाहिए वो उठा लेते हैं। ओके मैं आप लोगों को मिलता हूँ चीज़ें उठाने के बाद। सो गाइस अभी हम रेडी हो चुके हैं, हमने ये लॉन्ग बो उठा लिया है और ये मेडिसिन वेडिसिन सब हमने ले लिया है। सो अभी निकलते हैं फॉरेस्ट की ओर। और राइट गाइस हम फॉरेस्ट में तो आ चुके हैं, और यार रात बहुत हो रही है, पता नहीं क्यों मैं मतलब हर बार मेरे गेम प्ले में रात तो होती ही एक बार तो। ओके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ चुका है, हमको यहीं पे जाना है, उस बंदे को हम ढूंढते हैं। और ये पैर के निशान कहाँ जा रहे हैं भाई, वेस्ट की ओर जा रहे, लेकिन वेस्ट है कहाँ भाई, और इसमें दिखा भी नहीं रहे यार पैरों के निशान ठीक से, तो आई थिंक ओके इस तरफ जा रहे हैं, समझ गया मैं, दिख रहे अभी चलते इस तरफ। ओ यहाँ पे 20 लेवल का है हमारा, तो भाई अभी बहुत ज़्यादा लेवल हो चुके हैं, डरने की बात ही नहीं अभी इस वाले फॉरेस्ट में तो, अभी ये तो बच्चों का खेल हो गया पता है ये सारे फॉरेस्ट। ओके यहाँ पे क्वेश्चन मार के
कहाँ पे जा रहा अभी? ओके नॉर्थन साइड जा रहे हैं, मतलब अभी हमको मिल सकता है बहुत जल्दी वो बंदा। ओके गाइस हमको दिख तो चुका है मैप में, अभी तक हमने सामने सामने नहीं देखा लेकिन यहाँ मैप में दिख चुका है। उससे पहले हम ये बैंडेजेस को मार देते वरना ये लोग बीच में पंगा देके अपने को। तो यार एक तो गया ऑलमोस्ट, मर जा, अरे मर जा भाई। ओके एक गया। और राइट गाइस हम वापस तो आ चुके हैं और हमको दिख चुका है, और हम पीछे से मारे एकदम क्राउच होके जाके इसको थोड़ा ज़्यादा डैमेज हो चुके। ओके अच्छी खासी हेल्थ लेके बैठा बंदा, लेकिन कोई बात नहीं, डैमेज तो बहुत तगड़ा दे रहा है यार ये भी। हाँ भाई चोर है, बहुत तगड़ा डैमेज दिया तूने तो, वापस ढूंढना पड़ेगा इसको तो। अभी इस तरफ गया है वो, यहाँ पे दिख चुका है हमको वापस से। और अबे टारगेट लॉक हो जा भाई। ओके लॉक हो गया। अबे यार निकल जाता है वो भी, किस तरह इस तरफ आया था ना वो। ओके यहाँ पे वापस क्वेश्चन मार्क, कहाँ गया वो? अबे फोगी लेक में निकल चुका है, बताओ अभी। अबे लूट कर लेता हूँ और मैं आप लोगों को मिलता हूँ फोगी लेक में। तो गाइस मैं यहाँ पे आ चुका हूँ फोगी लेक में, और मैं उधर से डायरेक्ट मैं यहीं पे आया हूँ, और मैं अपने रेंज में भी नहीं गया, और मैंने सोचा कि ये सारा सामान तो मेरे को यहीं पे भी मिलेगा तो इधर भी कुछ खास लूट नहीं मिलेगी, तो इसलिए मैं सोचा कि मैं पहले यहीं पे आ जाता हूँ फिर मैं रेंज पे जाऊँगा ये मिशन पूरा कम्प्लीट करने के बाद। ओके गाइस हमको हमारा टारगेट तो मिल चुका है, और मारते इसको थोड़ा अच्छा खासा डैमेज। ओके एक हिट बस गया, लो कुछ था क्या? ओके ये हाइड थी एक, लेकिन मेरे पास पड़ी है। अबे यार ये बोन कैट्स ना दिमाग ख़राब करते, और मैं वापस हीलिंग नहीं दे रहा हूँ पता नहीं क्यों, मेरी ये मतलब आदत है मतलब यूज़ ना करने की, ऐसे ही पड़ी रहती है मतलब मैं यूज़ ही नहीं करता। पर यार मैं आप लोगों को ये सब लूटने के बाद मिलता हूँ। ओके गैस मैं लूट करने के बाद बाहर निकल ही रहा था और यहाँ पे एक आ चुका है ट्रेन इवेंट, तो या मेरे को करना पड़ेगा कुछ, लेकिन दिक्कत मत लो तुम्हारा भाई ये भी कर लेगा। ओके सो गैस अभी तो मैं रेंज पे आ चुका हूँ, और वो वाला मिशन भी मैं कर लूँगा, दिक्कत मत लो तुम। ट्रेन न अटके मैं से जाने नहीं दूँगा, क्योंकि वहाँ पर भी अच्छी खासी लूट मिलती है, और मैं आप लोग को दिखाऊँगा वो भी। तो उससे पहले मैं ये सब रख देता हूँ, अपने रख तो क्या मतलब ये सब मैं बनाने के लिए डाल देता हूँ अपने गार्डन में। सो गाइस मैं रेडी तो हो चुका हूँ, लेकिन मेरे पास बस एनर्जी नहीं है। सो या हमको ये एनिवर्सरी की मतलब ये कैंडी मिली, उससे आप लोग देख सकते हो हमको 5 मतलब एनर्जी मिलती है, 5 प्लस एनर्जी, तो ये मैं थोड़ी यूज़ कर लेता हूँ। इतनी काफ़ी रहेगी? कितनी है? 31 ही है वही, कोई बात नहीं थोड़ी और खा लेंगे हम। 50 हो जाए तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि 56 हो चुकी है और इतनी तो काफ़ी है मान लिए। सो चलते अभी। और राइट गाइस हम इवेंट में तो आ चुके हैं, और इस बंदे से बात कर लेते हैं ऑलवेज, क्योंकि ये बंदा हमको हर बार एक अच्छे से वेपन देता है, इस बार भी दे रहा है और एक्सपी भी दे रहा है साथ में। समथिंग अनबिलीवेबल इज गोइंग ऑन हियर, एक्सप्लोजिंग डेथ एंड वायलेंस, do not look like a simple robbery. For some reason the bandages weren't after the engineer. Maybe he is their main target. Okay, हमको इंजीनियर को मतलब छोड़ाना है ना, बैंडेजेस उसके पीछे पड़े हुए, और देखता हूँ मैं किसी टेम, ओ एक इसको तो मैं टेम कर सकता हूँ अभी, तो कर लेते हैं भाई, हेल्प तो मिलेगी थोड़ी, और आगे भी एक एनिमल है कौन सा है। सो ये आप लोग मैप पे देख सकते हो कि सामने एक आयरन ओर है, और ये ऐसे दिखते आयरन ओर, और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले कहा कि आप लोग किसी भी इवेंट में आप लोगों को ऐसे ओर मिल सकते हैं, जैसे कि ये ट्रेन अटैक हो गया, इमरजेंसी स्टॉप हो गया, या फिर वेगन वाला हो गया, उसमें भी मिलते ऐसे मतलब ओर्स, और आपको रोक नहीं बट ये इंगोट चाहिए अपने को। सो ये आप लोगों को ये सारे इवेंट में भी मिल सकता है, और आपको कभी कभी क्विस्ट बोर्ड में भी एक ऐसा इवेंट आता है उसमें भी आप लोगों को कभी कभी आयरन मिल जाता है। सो या इसको भी हम टेम कर लेंगे, काम तो उतना नहीं आएगा लेकिन ये कुछ ना होने से कुछ होना भी अच्छा है, और इस सबको भी हम पहन लेते हैं भाई, एक हिट दे दे गजब।
क्या था इसके पास? ओके, कुछ खास नहीं था, एक कॉटन का क्लॉथ ही था। और इसका मीट खा लेते, सामने और भी बंदे, डरने की बात ही नहीं है। बस ये चक्को वाले मेरे को पसंद नहीं भाई, बिल्कुल नहीं पसंद। उससे अच्छा वो हथौड़े वाले हो ना, वो अच्छा लगते हैं मेरे को, लेकिन ये बंदे मेरे को नहीं पसंद, समझ रहे हो ना? हर बानी मतलब कोई को भी। और ये बंदा मेरे को पक्का मालूम है कि इधर एक डिस्ट्रॉयर होगा और काफ़ी हेल्थ लेगा मेरी, और 80 लेवल का बताओ, मतलब हालत खराब। बच गया मैं, डिस्ट्रॉयर तो गया, चलो शूटर ही बचा। शूटर को तो अपनी केटी मार देगी, अच्छा ओपी है ये। डिस्ट्रॉयर को ना कुछ खास देना चाहिए पता है, आइटम, ताकि मतलब ऐसा लगे कि नहीं हमने किसी को तो मारा भाई। यही आई थिंक इंजीनियर, ओके इंजीनियर ही है। आई थॉट इट वॉज ओवर एंड हियर यू आर, आई एम लकी। यहाँ पे बहुत सारे मतलब आयरन के वो है इंगोट, इंगोट नहीं बोलेगे और बोलेगी, ये और होते हैं और इंगोट अलग होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। सो भाई अपना काम ही है कि हम मेन बंदे को ढूंढे और उसके साथ लड़े, ताकि हमको ज़्यादा तकलीफ भी ना हो ना भाई। इधर बेयर है जो कि मेरे को उससे पंगे नहीं लेने, वो धोखेबाज होते साले। और यहाँ पे एक हमको बैंडेज मिल चुका है, इसको हम फेल देंगे। पर ये स्नाइपर मेरे को नहीं पसंद बाबा, बिल्कुल नहीं पसंद। दूर से अटैक करते हैं, दिमाग ख़राब नहीं तो। लूट लेते हैं इसको, फिर देखते क्या मिलता है। बेरिश मिली, कोई बात नहीं, थोड़ी हेल्थ तो मिलेगी अपने को। ओके यहाँ पे हमको सामने गैंग लीडर दिख चुका है, इसको हम दूर से पहले थोड़ा सा डैमेज कर लेते हैं। हेल्थ ले, हेल्थ ले, हेल्थ ले, अभी मर जाता यार मैं। हेल्थ ही तो मैं नहीं लेता यार, दिक्कत वाली बात भी वो होती है। वापस ले जी, ओके। इसके पास भी हमको एक वेपन मिल चुका है जो कि एक्स जैसा दिखता है, अच्छी बात है। और इसके पास क्या था भाई? कुछ खास नहीं था, इससे बात कर लेते हैं। आई बिलीव इन मिरेकल्स नाउ, द बैंडेजेस वेयर ऑलरेडी पिकिंग गैदरिंग माई बैग्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पेपर्स ऑफ द There was important papers of mayors look like they quite dead. Something wrong here. The sooner I delivering the papers the better. Here take it for saving me. Search around you definitely find something something else. Thank you for the gun. इस वाले चेस्ट में क्या है देखते हैं। छोटे वाले चेस्ट में मतलब मोस्ट ऑफ टाइम कुछ होता नहीं है कुछ खास, लेकिन इस बार है, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ खास तो खास होता है। और कुछ है यहाँ पे, आप देखा मैंने आप लोगों को कहा था आयरन निगोड मिलते हैं ये सारे इवेंट में, और कॉपर और ये आयरन पार्ट्स मेरे को मिले, काफ़ी अच्छा मेरे को लगा, क्योंकि यार इसकी मेरे को बहुत ज़्यादा ही कमी होती है। और ये मेरे को नहीं चाहिए, और ये नहीं चाहिए, और ये भी नहीं चाहिए, सबको हटाओ, हटाओ इस सबको, सब बेकार की चीज़ है। और कुछ है भाई? बहुत सारे पार्ट्स है भाई। और ये हमको टायर 4 का काउबॉय का जैकेट मिल चुका है भाई, बहुत ज़्यादा इसकी डिफेंस पे और ड्यूरेबिलिटी तो आप देख ही सकते हो, मतलब शानदार। ओके, लेकिन हम क्या क्या हम छोड़े और क्या क्या रखे भाई, बहुत सारी आइटम है। वो ये मेरे को माल पाके, ये बोट्स तो मेरे को चाहिए, ये मेरे को नहीं चाहिए, और ये भी नहीं चाहिए, और ये मेरे को जैकेट चाहिए, लेकिन किसके बदले, किसके बदले लूँ मैं? या कॉटन, ये कॉटन की क्लॉथ मेरे पास बहुत पड़े और मैं बना भी सकता हूँ इजीली, सो ये तो नहीं चाहिए। और एक ये वाली एक और बची हुई है, इसको देख लेते हम। ओ ये हमको क्या मिला है? कॉपर रील, इसका क्या काम है मेरे को नहीं मालूम, आई डोंट नो। ट्रू इंजीनियर
मार्वेल रिक्वेस्ट फॉर द बिल्डिंग एंड अपग्रेडिंग पावर स्टेशन। अब पावर स्टेशन यहाँ इस गेम में पावर स्टेशन भी है क्या? मेरे को नहीं पता भाई, बहुत कुछ है इस गेम में। तो एक हमको ब्लू प्रिंट मिल चुका है, देखते ओपन करते क्या मिलता है। ओ ये हमारे पास नहीं थी, कौन सी टायर की है लेकिन। ओके ब्लू प्रिंट लेवल 1 है और गन वर्क बेंच लेवल 2 की है, मतलब आई थिंक वही होगी टायर 2 की, लेकिन यहाँ अच्छी खासी है ये भी। और ये आप देख सकते हो तो कितना मतलब साइंत आयरन इंगोट हो गया अभी से, मतलब अभी से ही। और ये एक नई चीज़ मेरे को मिली और ये मेरे को चाहिए, लेकिन किसके बदले मिलूँ हाँ मैं। सल्फर मेरे को नहीं चाहिए यार, सल्फर नहीं चाहिए, सल्फर के बदले ये ले लेता हूँ मैं। और ये आई थिंक यही था, यही था। और ये एक बोतल में पी लेता हूँ ताकि थोड़ी स्पेस हो जाए अपने पास, इसको यहाँ पे रख के या स्पेस होगी। और स्पेस से हम क्या करूँगा, मैं थोड़े से मैं ये कैक्टस फ्रूट लेके जाऊँगा अपने घर यार, जरूरत यार मेरे को। सो यार मैं आप लोगों को मिलता हूँ डायरेक्ट अपने रेंज पे। सो गाइस मैं अपने रेंज पे वापस आ चुका हूँ और अपना जो आखिरी वाला मिशन है उसको भी हम स्टार्ट कर देते हैं अभी यहाँ से, जो कि हमको आयरन माइन में अपने को मिलेंगे उसके मैप्स। तो चलते हैं वहीं पे, और चलते तो क्या मैं आप लोगों को वो पूरा पार्ट एकदम स्किप करके दूंगा, और मैं आप लोगों को मिलता हूँ जब मेरे को दोनों मैप मिल जाते तभी। सो गाइस मैंने दोनों मैप के पीस मैंने फाइंड कर लिए और अभी मैंने इसको ज्वाइंट भी कर लिया है, और अभी चलते हैं उसके मतलब हाइड आउट पे। ओके लेट्स शो मी इवेंट एंड देयर इज इट। भाई एनर्जी देख रहे हो, अभी अभी जस्ट फुल हुई है और वापस से मतलब ये 57 ले रहा है यार। कोई बात नहीं, दे देते अभी एक ही बार ही के लिए। ओके जल्दी से बंदूक को देखो, मैंने कहा था ना आप लोगों को हाइड आउट में भी मिलते हैं, मतलब ये वाला आयरन के, और देखा यहीं पे मिलते हैं और यहीं पे भी मतलब आपको लूट कार्ड पे भी मिले कोई भी इवेंट में भी। सो या उससे पहले मैं इन लोगों को मार देता हूँ, थोड़ा थोड़ा तो कैसे नहीं मारेंगे हम, तो थोड़ा क्यों छोड़ना है ना भाई। अरे भाई अरे भाई अरे भाई क्या डैमेज दे रहे भाई। कोई बात नहीं, फिर भी हमने इस लोगों को हरा दिया, थोड़ा खाना पानी भी अपने को मिला है। और मैं यार एक सौर पिकेक्स लाना भूल गया यार, यहाँ पे मतलब मालपा के ट्रीज है थोड़े, अच्छा वो हमको हीलिंग भी मिल गई यहाँ पे, अच्छी बात है। थोड़ी और हाई लेवल की अपने को हीलिंग मिल चुकी है जो कि बहुत अच्छी बात है। और इधर देख लेते क्या मिलता है, वैसे यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास लूट तो नहीं मिलती, लेकिन ये नॉर्मल से अपने को मिली है ब्लू प्रिंट्स। कोई बात नहीं, कुछ ना होने से कुछ होना भी तो बेहतर है। हाँ लेकिन मैं मतलब वो लाना भूल गया है ना, एक्स और पिकेक्स, और मैं बना भी नहीं सकता आई थिंक, यहाँ मैं नहीं बना सकता। यहाँ पे कुछ है क्या ऑटो मोड में लेने लायक? नहीं है, कुछ नहीं है। चलते और क्या भाई। ओके मैं अपने रेंज पे तो आ चुका हूँ, और अभी वीआईपी बैच होने का एक फ़ायदा तो है, एक क्लिक करो सारा सामान मतलब स्टोर में पहुँच जाएगा। हालांकि जो स्टोरेज फुल हो गए वहाँ पे नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ मोस्ट ऑफ सामान आप लोगों ने देख लिया एकदम मतलब ये चला गया स्टोरेज में, ये भी डाल देता हूँ मैं स्टोरेज में। ओ ये भी गए। ओके वेपन वाला भी अपना फुल है मतलब, ओके नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे ये डाल देता हूँ मैं बनाने के लिए थोड़े, और अभी मेरे को अपने वर्क बेंचेस अपग्रेड करने हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग के वीडियो में कहा था। सबसे पहले मैं ये रिपेयर बेंच में करूँगा अपग्रेड लेवल 3 की, और या काफ़ी सामान लगेगा लेकिन कोई बात नहीं, वर्थ इट है। और ये 3 दिन का अपग्रेड है यानी कि बहुत ज़्यादा ही टाइम लगेगा, बट या डू नॉट वरी डेट मच आई हैव। और यहाँ से मैं थोड़े से ये ले लेता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को आगे बताऊँ क्यों मैंने ये सारे मतलब लोग लेके जा रहा हूँ, लोग तो नहीं इसको बोर्ड बोलते हैं ना। थोड़ी सी मेरे को ट्रेडिंग शेडिंग भी करनी है, क्योंकि भाई आज वीआईपी डे है तो मैं पूरा फ़ायदा उठाऊँगा। और या मैं थोड़े हॉर्स के वो पार्ट्स भी लेके आता हूँ अगर मेरे को मिलते हैं सस्ते में तो, और या यही सीन है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा सामान डाल देता हूँ भाई ये यहाँ पे, और डन चलते हैं अभी सिल्वर टाउन में, थोड़ी सी ट्रेडिंग करके आता हूँ मैं।
और राइटी गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं सिल्वरटॉन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी हमने मिशन किए उन सब के जो कॉइन्स हमको मिलेंगे वो ले लेंगे। अभी हमारे पास है कुछ 760 हमारे पास कॉइन है, तो थोड़े से पहले वो ले लेंगे, फिर आगे का देखते हैं, फिर हम थोड़ी पैसा खर्च करते हैं चीज़ों में। या इसके भी हमको 20 कॉइन मिल चुके हैं और हमारा ये एक लेवल अप हो चुका है, तो स्पीड में ही डाल देता हूँ मैं, वहीं पे काम आएगा। और अभी हमारे हो चुके 736 हो चुके। आगे एक और हमारा मिशन कंप्लीट हुआ था, वो भी हम करके आते होंगे। ओके, हम आ चुके शरीफ के ऑफिस में और इसको भी रिपोर्ट दे देते हम, और इसका भी हमने हो चुका है मिशन कंप्लीट। ओके, ये सारे हो चुके और अभी हमारे पास हो चुके 781 हो चुके हमारे पास। और आई थिंक हमारे पास एक और ये हमारा मिशन था, साइड मिशन, जो कि मैंने लिया था। और इसमें क्या करना था, बस मेरे को लेवल 55 का होना था, और अभी आप लोग देख सकते हो मेरा 58 हो चुका है। सो यार, ये बंदा मेरे को दे रहा था ये बकेट ऑफ टार, और ये बकेट ऑफ टार आगे की जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमको अभी जो अपना हॉर्स है वो इम्पोर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा ये जब अपना हॉर्स अनलॉक हो जाएगा उसके बाद ये मतलब हमको काम आएगा, जब हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे तभी। ये बकेट ऑफ टार अभी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से मतलब मैं इसको इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता हूँ, लेकिन यहाँ अभी से तो नहीं, मतलब एक कर दिया तो आगे भी हो जाएगी धीरे धीरे। और थोड़े आप लोग देख सकते हो यहाँ पे और साइड मिशन मिल रहे हैं, जो कि मैं धीरे धीरे करूँगा बकेट ऑफ टार के लिए। आप लोग देख सकते हो मेरे को एक मिल चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये आपको कहाँ कहाँ मिलेगी, बस आपको ये टाउन के ट्रेडर्स ही दे सकते हैं, और आपको किसी और इवेंट में नहीं मिलेगी। तो ये बंदी है वो मेरे को रेगुलरली 300 रुपये में मतलब देती थी ये वाली चीज़, लेकिन अभी मेरे को दे रही है 240 में। तो या मैं ट्रेड कर लेता हूँ इससे एक, मेरे को पता है काफ़ी सारे लोग कहे कि भाई तेरे को ट्रेड करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन ये अब मैं कर लेता हूँ। और मैं ये एक और मैं कर लेता हूँ, और अभी मेरे को इसमें से इन दोनों में से कोई एक चीज़ मिलती है, सो या मैं ये वाली चीज़ मैं वापस से ले लूँगा। तो अभी मेरे को बस ढूंढनी है एक ही, बस मेरे को हॉर्स वॉर्स ढूंढना है, और वो तो भाई मिल जाएगा, पता नहीं कब मिलेगा लेकिन ये मिल जाएगा। सो या उसकी तो डू नॉट वरीज। और यहाँ पे मैं थोड़े ट्रेड इसमें देख लेता हूँ भाई, कुछ हो ऐसी कोई खास चीज़ जो मेरे को चाहिए हो और मेरे को कम पैसों में मिल सकती हो। सो नहीं यार, ये सब तो है मेरे पास अच्छा खासा अभी के लिए। मैं ये वाले माल पा के लोग लेना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसके साथ ये वाली ट्रेड्स करूँगा, और इसके साथ ये सारी मैं कर लूँगा ट्रेड्स, और दो बचे इसके पास अभी स्टॉक में, और दो भी मैं खरीद लूँगा अपने कौन से। सो या ये भी शॉर्ट आउट हो चुके हैं। और या आज मैंने बहुत सारे मतलब अपने कॉइन्स मतलब मैंने इन्वेस्ट किए हैं इन सारी चीज़ों में। मेरे पास थे मतलब 700 थे, और अभी हो चुके 277 हो चुके, और इससे पहले भी मैंने काफ़ी शॉपिंग की थी। सो या मेरे पास मतलब ऑल टोटल अगर मैंने एक भी शॉपिंग अब तक नहीं की होती, तो या मेरे पास आई थिंक 1000 हो चुके होते कॉइन। अगर मेरे को पता, अगर आप लोगों ने अभी तक एक भी चीज़ खरीदी नहीं है, सो या आप लोगों के पास तो हो गए 1000 कॉइन्स। और यहाँ पे कुछ लेने लायक नहीं है, यहाँ पे देख लेता हूँ मैं। नहीं, ये सारी चीज़ें है मेरे पास, और या अभी तो ऐसा कुछ खास नहीं है मेरे को जो चाहिए हो ऐसा। तो सो आज का ये एपिसोड हम यहीं पे एंड करते हैं, और आज के एपिसोड में हमने काफ़ी सारी चीज़ें की, जैसे कि हमने काफ़ी सारे मिशंस किए, फिर हमने काफ़ी सारे कॉइन्स हमने कमाए, उसको इन्वेस्ट भी किया, फिर हमने जो अपना स्टेबलेट है उसके पार्ट्स भी हमने खरीदे, और हमने एक इमरजेंसी स्टॉप वाले इवेंट में काम भी किया, यानी कि बहुत सारी चीज़ें की। और या इस वीडियो को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, करीब एक या दो दिन लगेंगे इस वीडियो को आने में। सो यार, जब भी आएगा स्टे ट्यून। और यार, वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। और आगे भी ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो क्या करेगा, सब्सक्राइब कर दो, और मैं आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक, टिल देन, बाय बाय।